शांति। वर्तमान समय विश्व में चारों ओर वायुमंडल में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, परेशानियां है, मनुष्य आत्माएं अति हलचल में है, सर्व सत्ताएं भी हलचल में है। ऐसे समय पर एक सत्ता जो विश्व परिवर्तन कर सके वो है शांति। आज सबको शांति चाहिए। शांति के साथ है शिव बाबा की पालना के अधिकारी हम, शांति के देव, शांति की देवियां हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। हम आत्माओं का निज धाम, स्वीट होम, शांति धाम है। मम्मा बाबा ने भी शांति की स्थिति, शांति की शक्ति जमा करने का गुप्त पुरुषार्थ कर नंबर वन कर्मातीत बने। सेवा में, हर कार्य में सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल देने वाली शांति की शक्ति है। सारे कल्प की प्रालब्ध बनाने का आधार शांति की शक्ति है। आने वाली और वर्तमान चल रहे नाजुक समय में शांति की शक्ति द्वारा ही बाप दादा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। जब सब साधन फेल हो जाएंगे तब शांति की शक्ति से ही आत्मा में आध्यात्मिक बल द्वारा ही बाप दादा की डायरेक्शंस को कैच कर सकेंगे। शांति की शक्ति जमा करने के लिए बाबा कहता, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। स्वीट साइलेंस के लिए और शांति की शक्ति को अनुभव करने के लिए एवं जमा करने के लिए साधन है मन और बुद्धि
सदा क्लीन और क्लियर रहे। किसी भी आत्मा के प्रति, कार्य के प्रति जरा भी नेगेटिव वेस्ट थॉट्स क्लीन और क्लियर नहीं। इसलिए सारा दिन में कर्म करते चेक करें कि मेरे संकल्प, मेरे विचार क्लीन और क्लियर है। मन में, बुद्धि में किसी भी प्रकार का नेगेटिव वेस्ट किचड़ा तो नहीं। राजयोग अर्थात शांति की शक्ति, शांति की शक्ति का अनुभव करने के लिए बाहरी अशांत नकारात्मक वायुमंडल से अपने मन और बुद्धि द्वारा स्वयं को टॉप स्टेज में ले जाए, उपराम हो जाए, न्यारे हो जाए। सबसे टॉप है हमारा स्वीट साइलेंस होम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो हम सब आत्माएं लाइट बन, उड़ता पंछी बन, फ्लाइंग स्टार्स पर, टॉप की स्टेज पर बाबा के पास, बाबा के साथ शांति सागर के संग शांति धाम में शांति की स्टेज में बैठ जाओ और शांति की गहराई में चले जाओ। शांति की शीतल लहरों का शांति के सागर शिव बाबा जो हम सब आत्माओं के परलौकिक पिता है, शांति के सागर में मर्ज हो जाओ। बाप समान मास्टर शांति के सागर बन जाओ, जैसे पानी सागर में मिल जाता तो सागर बन जाता, ऐसे हम आत्माएं भी बाबा के संग शांति के सागर में
मर्ज होकर मास्टर शांति के सागर स्वीट साइलेंस में चले जाओ, समा जाओ अनुभूति में, खो जाओ।
शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला। हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला। शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा कलश, ब्रह्मा मुख से छलकाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। विश्व शांति दूत शिव ने चारों ओर पहुंचाए। शांति की किरणों से जग के दुख और पाप मिटाए। शांति का भंडार शिव ने, शांति का भंडार शिव ने जन जन तक पहुंचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। सब अशांत थे आशा आई पाके शिव का सहारा। प्रेम शीतलता सुख का उसने बोध कराया नारा। त्राही त्राही करता था मानव, त्राही त्राही करता था मानव तृप्त गुणों से पाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में
आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। कोई भी स्मृति नहीं हो।
एकाग्र मन।
शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़े। जग से उठेगा हो, जग से उठेगा शस्त्रों का ढेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। सब अंधेरा स्नेहियों का एक समाज होगा, तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में घर में सुख का बसेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, सब अंधेरा।